तो भैया इंडियन मार्केट में पल्सर अपना जलवा बिखेरती है, आप सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बजाज ने अब हाल ही फिलहाल में पल्सर P150 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, ये भी आपको पता है। तो आज हमारे साथ में है बजाज की पल्सर P150 का डुअल डिस्क वेरिएंट। ये टोटल दो वेरिएंट के साथ में ऑफर की जाती है, जिसमें सिंगल डिस्क आता है और एक डुअल डिस्क आता है। डुअल डिस्क की प्राइस के बारे में बात करें तो हमारे सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में ये 1,43,000 रुपये, 1,43,000 रुपीज़ की ऑन रोड रायपुर की प्राइस में नज़र आ जाती है। बाकी आपके स्टेट मेरे स्टेट में प्राइस का डिफरेंस रहेगा, बताने की बिल्कुल से भी जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है प्राइस ऊपर नीचे रहता ही है, और समय के साथ में प्राइस भी देखा जाए तो बढ़ता कम तो नहीं होता, सिर्फ बढ़ते ही जाता है। कलर ऑप्शन आपके स्क्रीन पर यहां पर आपको नजर आ जाएंगे, कौन सा कलर पसंद है आप नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और ये देखा जाए, अभी आप इसका रेड कलर देख रहे हो जो कि देखने में काफी ज्यादा एक अलग और अपीलिंग सा लुक दे देता है। ब्लैक कलर भी देखा जाए तो काफी अच्छा लगता है, मतलब किसी भी गाड़ी का ना ब्लैक कलर काफी एक अलग मतलब मार्केट में रोड प्रेजेंस दे देता है। तो ब्लैक कलर की भी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब ना जो राइड रिव्यू है ये मतलब ये वाली जो वीडियो है इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये डिटेल वॉक अराउंड है, उसके बाद में आपको राइड रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की है कि गाड़ी चलने में कैसी है और पुरानी वाली से क्या क्या चीज़ें बेहतर है। तो वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर से देखें, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अगर आप नोटिस करते हो तो छोटी सी यहाँ पर आपको वाइज़र जो कि आपको हल्की ट्रांसपेरेंट साइड में नज़र आने वाली है, यहाँ पर आ जाती है नंबर प्लेट की स्पेस। इंडिकेटर्स की बात करें तो ये आपको यहाँ पर नज़र आने वाले हैं बल्ब टाइप में, देख लो यहाँ पर बल्ब टाइप में, और ये आपको कुछ यहाँ पर ब्लेजर नज़र आ जाते हैं जैसा कि आपने N160 में देखा हुआ वैसे ही टाइप का। बाकी यहाँ पर जो हेडलैम्प सेटअप है ये आपको पूरा LED के साथ में नज़र आने वाला है, बजाज ने यहाँ पर इसको अपग्रेड कर दिया है, ये अब आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप के साथ में नज़र आ जाता है। ये वाला जो है ना ये भाई आईब्रो काफ़ी लंबा चौड़ा इन लोगों ने मैच कर दिया है, मतलब जो DRL है ना मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन ये जो है ना ये मिला करना थोड़ा सा एक अलग ही यहाँ पर डिज़ाइन बना दिया गया। बाकी प्रोजेक्टर की जो थ्रो वगैरह है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको ग्राफिक वर्क नज़र आ जाया करेगा। सेम जैसे N160 में आपने फ्लोटिंग टाइप का यहाँ पर मतलब देखा था इसका मडगार्ड, वैसे ही आपको यहाँ पर भी नज़र आने वाला है। हाँ, एक चीज़ अब आपको यहाँ पर ऐड होती हुई नज़र आएगी, फॉर्क प्रोटेक्टर जो कि डस्ट एंड मड से मतलब जो ऑयल सील है वो प्रोटेक्ट करके रखने वाला है ये चीज़। और यहाँ पर आपको ABS की स्टिकर नज़र आ जाती है जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है, चाहे आप इसका सिंगल डिस्क लो चाहे डुअल डिस्क लो, यहाँ पर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क रहने वाले हैं। बाकी अगर इस साइड में आ जाए जो ब्रेकिंग है, यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क प्लेट नज़र आने वाली है, 260 mm की यहाँ पर डिस्क रहने वाली है डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ में, और जो सस्पेंशन ये आपको इंड्योरेंस के नज़र आने वाले। टायर प्रोफाइल अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो इसमें आपको मिल जाते हैं 90x90 सेक्शन के टायर जो कि 17 inches के अलॉय व्हील में दिए गए हैं। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो अलॉय व्हील का जो पैटर्न है ये आपको अलग देखने को मिलने वाला, ऐसा नहीं है कि पिछला वाला यहाँ पर टेप के लगा दिया है। तो यहाँ पर ये जो अलॉय व्हील है ये आपको नया देखने को मिलेगा, ट्यूबलेस टायर रहने वाला है, व्हील के साइड रिम पर स्टिकर आपको नजर आ जाती है। बाकी अब आ जाते हैं इसके टैंक साइड में, जो फ्यूल टैंक है ये आ जाती है 14 लीटर की कैपेसिटी के साथ में, जो पिछला वाला जो मॉडल आता था वो 15 लीटर की टंकी के साथ में आता था 150, लेकिन ये वाला 14 लीटर की टंकी यहाँ पर नज़र आ जाती है। टैंक यहाँ पर आपको काफ़ी मस्कुलर देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी में मेरे को मतलब थोड़ी सी शिकायत ये थी, जैसे कि अगर आप ना देखते हो ना आगे से थोड़ी सी पतली दिखती है, लेकिन जैसे ही आप टैंक साइड में जाते हो ना तो टैंक साइड से ये थोड़ा बल्कियर लगने लगती है, और पीछे साइड तक जाते हो तो थोड़ा सा आपको बल्कीनेस नज़र आता है। मेरे ख्याल से मतलब इसका फ्रंट थोड़ा सा इसमें वर्क कर सकते थे, लेकिन अब क्या बोले, अब गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। इंजन किल स्विच, यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, लीवर्स ब्लैक्ड आउट में, और जो मिरर्स हैं ये देखा जाए तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, व्यू वगैरह काफ़ी शानदार रहने वाला है। और जो हैंडल बार हैं ये आपको देखने को मिल जाते हैं क्लिप ऑन में, क्लिप ऑन हैंडल बार रहने वाले। मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाती है पल्सर की 3D बैजिंग। ग्राफिक वर्क आपको टैंक शॉट तक भी नज़र आने वाला है। बाकी चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो चाबी कुछ ऐसी रहने वाली है, यहाँ पर आपको रेगुलर की देखने को मिल जाती है। और मीटर कंसोल भी देखा जाए तो आप पहले से ही इससे वाकिफ़ हो चुके हो, क्योंकि N160 में भी सेम मीटर कंसोल आता है। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब अलग देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें सेम पहले जैसे ही रहने वाली है। यहाँ पर RPM गेज जो कि एनालॉग में, गियर पोजिशन इंडिकेटर आ जाता है। 150cc कैटेगरी में देखा जाए तो ये पहली गाड़ी होगी जिसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्पीड मीटर, ओडोमीटर की मेन रीडिंग रियल टाइम बताता है। यहाँ पर आ जाता है इसका फ्यूल मीटर, आगे कर लेते हैं तो ये ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये डिस्टेंस टू MTB बताने वाला है,
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर ये बटन अगर प्रेस करके देखें तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी बताने वाला है ये। और साइड्स में देखते हो ढेर सारी वार्निंग जो लाइट्स है वो रहने वाली है। दो बटन्स यहाँ पर आपको नज़र आ जाते हैं जिसकी मदद से आप इसके मीटर को नेविगेट कर पाओगे। लेफ्ट साइड में आ जाते हैं तो लेफ्ट साइड में मिल जाता हॉर्न, एक बार सुनते इसका हॉर्न, सिंगल टोन हॉर्न के साथ में रहने वाला इंडिकेटर, लो हाई बीम पासिंग की स्विच यहाँ पर आपको नज़र आ जाए करेगी। बाकी स्विचेस की क्वालिटी वगैरह डिसेंट मिलने वाली है इस मोटरसाइकिल में। जो इंजन है ये देखा जाए तो ये भी अब आपको नया देखने को मिलेगा, यानी जो इसका दिल है ये भी टोटली नया देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पुराना वाला कुछ यहाँ पर दिया है बजाज ने, ये अब नया दिया गया। इसमें जो इंजन है ये आपको देखने को मिल जाती है 149.68 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve एयर कूल्ड मोटर देखने को मिल जाती है, जो जनरेट करती है 14.5 पीएस की पावर, और टॉर्क इसमें आपको 13.5 एनएम का मिल जाया करेगा। 5 स्पीड का गियर बॉक्स सेटअप रहने वाला है, एक नीचे, बाकी जो 4 गियर्स हैं वो आपको ऊपर देखने को मिल जाते हैं, और ये वेट मल्टीप्लेट डिस्क के साथ में रहने वाली है। माइलेज के बारे में बात करें तो ये 45 प्लस की माइलेज आपको आराम से निकाल कर दे देगी, डिपेंड करता है कि गाड़ी आप किस तरीके से चलाते हो। टॉप स्पीड इसकी 100 प्लस की रहने वाली है। बाकी डायमेंशन वाइज बात करें तो ये जो मोटरसाइकिल है इसका जो मतलब कर वेट है वो 141 kg का होने वाला है, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की होने वाली है, और जो व्हील बेस है ये होने वाला है 1352 mm का। बाकी सीट वगैरह देखा जाए तो सीट यहाँ पर आपको स्प्लिट में नज़र आ जाती है। अगर आप इसमें डुअल डिस्क लेते हो ना तो डुअल डिस्क में कुछ कुछ चीज़ें आपको अलग देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी, ग्रैब रेल स्प्लिट में आ जाते हैं। कुशनिंग वगैरह के बारे में बात करें तो ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक ही ठाक यहाँ पर कुशनिंग रहने वाली है, और यहाँ पर सीट आपको थोड़ी सी चौड़ी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो राइडिंग क्वालिटी मतलब जो राइडिंग है ना, राइडिंग कम्फर्ट वो काफ़ी अच्छा आपको इसमें देखने को मिल जाया करेगा। P150 की स्टिकर आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है, और जो ग्रैब रेल है स्प्लिट में जैसा कि मैंने आपको बताया वो तो मिलता ही है। साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों रहने वाला है। सेंटर स्टैंड का एडवांटेज आप सभी को पता है, गाड़ी को धोने में और चैन ल्यूब या फिर क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता यहाँ पर इससे हो जाती है। ओपन चैन कवर रहने वाला है, चैन को आपको हर 400 किलोमीटर पर क्लीन एंड ल्यूब करना पड़ेगा। बॉक्स सेक्शन टाइप का स्विंग आर्म, और यहाँ पर सारी गाड़ आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी सी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी सीट को अगर आपको पीछे वाली खोलनी है तो यहाँ पर आपको की स्लॉट की स्पेस मिल जाती है, जिसकी मदद से आप इसकी पीछे वाली सीट को खोल पाओगे। अब मैं इस साइड में आ जाता हूँ तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको किक का भी ऑप्शन मिलने वाला है। देख लो, गाड़ी में मान लो अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है तो उस टाइम में आप किक की मदद से गाड़ी को स्टार्ट कर पाओगे, और यहाँ पर लग जाता है इसका ऑयल फिल्टर। इंजन बैली भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, इस पर भी आपको ग्राफिक वर्क, और यहाँ पर सिंगल टोन हॉर्न रहने वाला है। ऑटो सेंसर वगैरह दिखाऊँ तो मैं ये इधर से आपको नज़र आएगा, ऑटो सेंसर, कैटलिटिक कन्वर्टर ये दिया हुआ है। बाकी अब आपको इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुनाता हूँ। एग्जॉस्ट यहाँ पर यह आपको देखने को मिल जाता है अंडर बैली में। बाकी एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ जाता है इसका ब्रेक फ्लूइड बॉक्स। रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो रियर में यहाँ पर आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाते हैं, और जो रियर ब्रेकिंग है यहाँ पर आपको 230 mm की डिस्क प्लेट नज़र आएगी सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर के साथ में। टायर प्रोफाइल 110/80 सेक्शन के मिलेंगे 17 inches के अलॉय व्हील में। व्हील के साइड रिम बीट पर स्टिकर नज़र आ जाती है, और जो पैटर्न है ये आप देख लो, मतलब ऐसा नहीं है कि पिछला वाला कुछ भी यहाँ पर लगाया गया है, जैसे कि N160 में किया गया था। RS वाला जो मतलब NS और RS वाला जो मतलब अलॉय व्हील था वो लगाया गया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बाकी बैक एंड में आ जाते हैं तो टेल लैंप सेम एज इट इज़, जैसा कि आपने N में देखा हुआ है, N सीरीज़ में वैसे ही वाला रहने वाला है। LED में दिया हुआ इंडिकेटर बल्ब टाइप में, नंबर प्लेट की लाइट, रेड रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट की स्पेस आ जाती है। बाकी रियर से देखते हो तो ये थोड़ी सी पतली दुबली सी लगती है, टायर वगैरह थोड़ा अगर चौड़े रहते तो ये बल्कियर लुक के साथ में आ जाती। बाकी मोटरसाइकिल आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। इस मोटरसाइकिल को लेकर आपकी कोई अदर ओपिनियन या फिर राय तो भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको इसकी टेस्ट राइड या हमारे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप वंदना बाजार में विजिट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, IDs यहाँ पर फ्लैश हो रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइस मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।